नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे बॉस बार का मेगर कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बोर्ड का मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, यानी ये जो बोर्ड है दोस्तों, यहाँ पे दो सेक्शन है, यानी दो इनकमर है, बीच में बस कपलर है, और हम लोग एक सेक्शन का मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस के दौरान आपको सबसे पहले क्या चेक करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है बोर्ड में कहीं पे कुछ सप्लाई नहीं है, ना तो कंट्रोल सप्लाई है, ना तो पावर सप्लाई है, कुछ भी सप्लाई नहीं रहना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग हाई वोल्टेज डिटेक्टर के जरिए ये कंट्रोल वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। आप कंट्रोल बॉस बार देख रहे थे, कंट्रोल बॉस बार में बहुत सारा बॉसेस है, कंट्रोल बॉस है, तो कंट्रोल बॉस को आप हाई वोल्टेज डिटेक्टर के जरिए चेक कीजिए। उसके बाद आप लोग एक बार पावर बॉस को भी चेक कर लीजिए कि हो सकता है कहीं पे कुछ लीकेज वोल्टेज हो, क्या हो, आप लोग ये हाई वोल्टेज डिटेक्टर के जरिए आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है दोस्तों, हाई वोल्टेज डिटेक्टर कैसा काम करता है, आपको कैसे चेक करना है, आप उसी वीडियो को देखिए। उसी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों, डाउन बॉस बार है, जो मेन बॉस बार से टैपिंग होकर डाउन बॉस बार आया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर वाई भी और साथ साथ न्यूट्रल भी है। तो ये कंप्लीट बोर्ड है दोस्तों, एक सेक्शन का मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो आपको कैसे मालूम करना है कि कंट्रोल बॉस में कुछ भी सप्लाई नहीं है। मान लीजिए आप हाई वोल्टेज डिटेक्टर लगा दिए, तो वहां पे आपको सप्लाई दिखाई दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 6 बॉसेस दिखाई दे रहा है। ऊपर में देखिए, रेड ब्लू और उसके बाद रेड ब्लैक और उसके नीचे लास्ट वाला रेड ब्लैक, यानी यहाँ पे 3 सप्लाई आया है। ऊपर वाला जो 2 सप्लाई है दोस्तों, वो है डीसी वोल्टेज। आप देख रहे थे नीचे ब्रेकर था, ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए हमको डीसी वोल्टेज चाहिए, तो ऊपर का 2 बॉसेस है डीसी वोल्टेज, उसका नीचे जो बॉस है वो है स्पेस हीटर बॉस, और उसका नीचे वाला बॉस है वो है कंट्रोल सप्लाई। तो ये सारे सप्लाई कहां से आता है, यानी डीसी का, स्पेस हीटर का और कंट्रोल का। आप इनकमर को ऑफ कर देंगे और इनकमर में एक देखिए लिखा गया होगा डीसी सप्लाई, तो उसी डीसी सप्लाई को ऑफ कर देंगे तो ये डीसी बस ऑफ हो जाएगा। और जो आपका कंट्रोल सप्लाई है, तो इनकमर को आप ऑफ कर दिए, उसको रैकआउट पे ला लिए, तो आपका कंट्रोल सप्लाई भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो स्पेस हीटर सप्लाई रहता है, उसका सप्लाई आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ज्यादातर पैनल मेंटेनेंस के दौरान क्या होता है दोस्तों, डीसी को आप ऑफ कर लेते हैं, उसका कंट्रोल सप्लाई भी ऑफ हो जाता है, लेकिन उसका जो स्पेस हीटर बस रहता है उसमें सप्लाई रह जाता है। क्यों दोस्तों, स्पेस हीटर को भी आपको ऑफ करना है। तो स्पेस हीटर सप्लाई को कैसे काटेंगे, उसका कंट्रोल कहाँ पे रहता है, आप देखेंगे जो बस कपलर पैनल होगा, बस कपलर पैनल में ये स्पेस हीटर का कंट्रोल रहता है दोस्तों। बस कपलर पैनल का सामने हो सकता है, नहीं तो बैक साइड में हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों, बस कपलर पैनल का बैक साइड में उसका कंट्रोल है, तो यहाँ पे आपको ऑफ करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 सेक्शन, एक कंट्रोल स्विच लगाया गया है, सिलेक्टर स्विच, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लिए, तो आपको यहाँ पे ऑफ करना है और फ्यूज को भी निकाल देना है। निकालने के बाद और एक बार आपको चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं और एक पैनल में आपको दिखा देता हूँ उसी बोर्ड का स्पेस हीटर सप्लाई कहाँ से गया है। तो दोस्तों, ये है उसका बस कपलर, बस कपलर को आप खोलेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 फ्यूज है, यानी दोनों सेक्शन के लिए 2-2 फ्यूज है, और ये कॉमन बॉस है दोस्तों। जो स्पेस हीटर का बॉस रहता है, कॉमन बॉस रहता है। यहाँ पे सेक्शन 1 तो ऑफ है, लेकिन सेक्शन 2 ऑन है, इसलिए यहाँ पे ये टेस्टर लगाने से सप्लाई दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये फ्यूज को आपको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं कैसे बॉस बार का मेगर किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सारे मॉड्यूल को हम रैकआउट पोजिशन पे ला लिए, यानी आइसोलेशन पोजिशन पे लाए हैं। अभी आपको और 2 चीज का चेक करना है कि हो सकता है जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर कहीं पे कुछ टैप करके लगाया होगा, वो आपको चेक करना है। अगर वोल्टमीटर लगा है तो उसका फ्यूज को निकाल दीजिए। और अभी आपको देखना है उसका जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहता है, उसको भी आपको आइसोलेशन पोजिशन पे लाना है, यानी जितना सारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर, सारे कंट्रोल ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन पोजिशन पे लाइए। अगर आप आइसोलेशन पोजीशन पर नहीं आ सकते तो उसका कंट्रोल फ्यूज को निकाल दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सारे मॉड्यूल्स को हमने बाहर निकाल दिया। अभी हम इसका मेगर करने जा रहे हैं। तो मेगर कैसे करेंगे, सबसे पहले फेज टू फेज करेंगे और फेज को अर्थ के साथ भी करेंगे,
ये देखिए दोस्तों अर्थ के साथ मेजर कर रहे हैं, कितना दिखा रहा है वैल्यू 2.3 मेगा ओम। और दोस्तों ऐसे हर एक फेज के साथ मेजर करते जाइए और फेज टू फेज भी मेजर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेगर वैल्यू 4.3 और कहीं कहीं 2.3 ऐसा वैल्यू आ रहा है, मेगा ओम में वैल्यू आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वैल्यू पूरा जीरो आ जाता है। तो अगर आप मेगर कर रहे हैं, बस बार का मेगर कर रहे हैं और आपका वैल्यू जीरो आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है, कैसे आप चेक करेंगे फॉल्ट कहाँ पे है, क्या हुआ है, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा दोस्तों। अगर मेगर वैल्यू जीरो आए तो फिर आपको कैसे चेक करना है, कैसे आप बस बार को चार्ज करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।